ये है मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, 16 वॉट के आउटपुट के साथ में आता है और इसका प्राइसिंग काफ़ी बढ़िया है, 2499 रुपीज़। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये दो कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये TWS फीचर सपोर्ट करता है, मतलब कि अगर आपके पास इस प्रकार के दो डिवाइसेस हैं तो आप दोनों स्पीकर्स को कनेक्ट कर सकते हैं और आपको एक तरह से स्टीरियो इफेक्ट्स मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो बॉक्स है इसमें हमें क्या क्या मिलता है और ये जो पोर्टेबल स्पीकर है इसका परफॉर्मेंस कैसा है, देखते रहिए। यह है मी पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर, 16 वॉट के आउटपुट के साथ में आता है और ये ब्लैक और ब्लू ऑप्शंस में अवेलेबल है। और जो की फीचर्स है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, 13 आवर्स का आपको नॉन स्टॉप यूसेज मिल सकता है, IPX7 सर्टिफाइड है, इक्वलाइजर ऑप्शन अवेलेबल है, TWS सपोर्ट करता है। लेकिन इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपके पास इस प्रकार के दो डिवाइसेस होना चाहिए और ऑफकोर्स 16 वॉट का आउटपुट सपोर्ट करता है। यहाँ पर वही सेम स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, बिल्ट इन माइक्रोफोन के साथ में आता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है और यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अगर आपको ट्रू वायरलेस स्टीरियो एफएक्स चाहिए तो उसके लिए दो स्पीकर्स होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए मैं इसे खोल देता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से प्रोडक्ट को पैक किया हुआ है, इसके अंदर आपको ये बॉक्स मिलने वाला है। इसके अंदर यूज़र मैनुअल दिया हुआ है और ये है USB to USB टाइप सी डेटा केबल बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। और इसके अलावा ये देखिए जो स्पीकर है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है। वैसे इसके ऊपर एक प्लास्टिक था, मैंने उसे ऑलरेडी निकाल दिया है। इस स्पीकर को मैं कुछ दिनों तक टेस्ट कर रहा था। ये देखिए ये रबर पैडिंग के साथ में आता है, ये ब्लू कलर वेरिएंट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर एक स्ट्रैप दिया हुआ है, हैंडलिंग के लिए काफ़ी काम में आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप देखें एक रबर कवरिंग दिया हुआ है, इसे मैं निकाल देता हूँ। ये लीजिए, यहाँ पर USB टाइप सी और ऑडियो पोर्ट दिया हुआ है, मतलब कि आप ये जो स्पीकर है इसे एज अ वायर्ड स्पीकर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ऑक्सिन पोर्ट और USB टाइप सी चार्जिंग के लिए। इसे अच्छी तरीके से बंद कर दीजिए क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये IPX7 सर्टिफाइड है, वाटर रेजिस्टेंट है। और यहाँ पर आप देखें बटन्स दिया हुआ है, ये है पावर बटन, ये है वॉल्यूम रॉकर्स, ये है मीडिया कंट्रोल बटन्स, ये है ब्लूटूथ बटन। इसे प्रेस करके होल्ड कीजिए अगर आपको पेयर करना है तो। और ये जो बटन है ये खास करके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे TWS बटन कहते हैं। इसे आप तभी उपयोग कर सकते हैं अगर आपके पास इस प्रकार के दो स्पीकर्स हैं। तो ये जो स्पीकर है, एक स्पीकर आप यहाँ पर रख सकते हैं और जो दूसरा स्पीकर है आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो आपको एक तरह से स्टीरियो इफेक्ट्स मिल सकता है। ये देखिए ये है LED लाइट। चलिए जो पावर बटन है इसे मैं प्रेस करके होल्ड करता हूँ। पावर ऑन। ये लीजिए अब ये ऑन हो गया है, अब ये पेयरिंग मोड में चला गया है। इसे मैं मेरे स्मार्टफोन के साथ में पेयर करता हूँ। Bluetooth connected. अब ये पेयर हो गया है। चलिए अब मैं आपको कुछ ऑडियो प्ले करके सुनाता हूँ, लेकिन आपको मैं फिर से बता दूँ कि रिकॉर्डिंग मेरा माइक्रोफोन कर रहा है। मेरे पास जो माइक्रोफोन है ये मोनो माइक्रोफोन है और सुन आप अपने डिवाइस का जो स्पीकर है उस पर सुन रहे हैं। तो जो एक्सपीरियंस मैं इस स्पीकर के साथ में कर पा रहा हूँ वो एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाएगा कि इसकी जो क्वालिटी है कैसी है। चलिए मैं कुछ ऑडियो प्ले करता हूँ। इसका वॉल्यूम बहुत ही लाउड है, 16 वॉट आउटपुट। तो जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है और खास करके जो बेस है, अगर आप इस स्पीकर को हाथों में पकड़ रहे हैं तो वो जो बेस है आप इसे फील कर सकते हैं। ऑसम साउंड क्वालिटी है इसकी। अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, खास करके 16 वॉट आउटपुट काफ़ी लाउड है। अब इस स्पीकर में डुअल EQ मोड्स दिया हुआ है, नॉर्मल और डीप बेस। और अगर आपको उसे स्विच करना है तो उसके लिए यहाँ पर ये जो प्लस बटन है और ये जो प्ले पॉज बटन है, इन दोनों को आपको एक साथ प्रेस करना है और होल्ड करना है। अब ये नॉर्मल मोड में आ गया है, अब ये डीप बेस मोड में आ गया है। चलिए मैं ऑडियो प्ले करके आपको सुनाता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि आपको जो इफेक्ट्स है वो समझ में आएगा या नहीं। ये लीजिए, नॉर्मल मोड।
डीप बेस, डीप बेस थोड़ा सा फर्क है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आप एक पोर्टेबल स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो आप इसके लिए जा सकते हैं। साउंड क्वालिटी ऑसम लेवल की है और इसका जो प्राइसिंग है ये भी काफ़ी बढ़िया है, 2499 रुपीज़। ब्लैक और ब्लू ऑप्शंस में अवेलेबल है। जहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसका लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए।